हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल मैथ पीबीएन चैनल। और इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन करेंगे, ये मैंने स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, इन क्वेश्चंस को हम करेंगे। ये बेसिक फ्रैक्शंस के क्वेश्चन हैं, तो आपको बहुत ही बेस्ट वे में पढ़ाने की कोशिश करूंगा, बहुत आसान तरीके से आपको ये पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने डिफरेंट लिखे हुए हैं, तो आई होप सो कि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो इस तरह की फ्रैक्शन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। मुझे कोई भी जल्दी नहीं है, मैंने आपको एक आसान तरीके से इसको समझाने की कोशिश करनी है। ये थोड़ी सी जो वीडियो है इसमें अगर आपने इसको समझ लिया तो उम्मीद करता हूँ इस तरह के फ्रैक्शन में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा टेक्निकल मैथ विबियन चैनल को। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो वीडियो देखने के बाद, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं ट्राई करूंगा कि आपकी वो प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाए। सो लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। थ्री ओवर टू प्लस 4/5। स्टूडेंट ये फ्रैक्शन है, इसको हमने करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि ये इसको न्यूमरेटर कहते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को, नीचे वाली को डिनोमिनेटर कहते हैं। सिमिलरली ये भी फ्रैक्शन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लेना है एलसीएम। एलसीएम किसका लेना है? 2 और 5 का। ये दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं, आप इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी एलसीएम ले सकते हैं। 2 और 5 = 10, लेकिन मैं आपको निकाल कर भी दिखा सकता हूं। ये देखें 2 और 5, 2 पर डिवाइड करें, 2 1s are 2, 5 एज इट इज डाउन कर दें, यहां पे 5 1 as it is 5 1s are, तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 10 आ जाएगा एलसीएम। यहां पर आपने इक्वल टू का साइन लाजमी लगाना है, यहां पर आप लिखेंगे 10। अब इस 10 को ले लीजिए स्टूडेंट, इस 2 पे डिवाइड कर दीजिए, 2 1s are 2 5s are, ये जो 5 बचा है आपने इस 3 से मल्टीप्लाई कर देना है इसको। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3s are 15। स्टूडेंट यहां पे ये प्लस का साइन नीचे आ जाएगा। सिमिलरली इसी 10 को आपने लेना है, हमारे एलसीएम वाले को इस 5 पे डिवाइड कर देना है। 5 1s are 5 2s are, ये 2 बचा, इस 2 को और इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4s are 8। ये देखें जी, ये स्टूडेंट्स आ गया। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को 15 और 8 को प्लस कर लेना है। तो जब 15 और 8 को प्लस करेंगे तो ये 2.3 आपके पास आ जाए, 23 आपके पास इसका सम आ जाएगा। ये देखिए स्टूडेंट्स, अब इसको मैं डायरेक्टली डिवाइड करूं, 10 पे है तो 1 को छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, लेकिन मैंने आपको कंप्लीटली सिखाना है तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं फर्दर, क्योंकि ऊपर वाली जो फ्रैक्शन है वो लार्ज है, नीचे वाली स्मॉल है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। 10 पे डिवाइड कर दें, 10 2s are 20, माइनस का साइन लगाएं, 3 बच आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको हमने लिख देना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, 2 whole 3/10। ये देखिए स्टूडेंट, इस तरह से आपके पास ये मिक्स फ्रैक्शन में आ गया। जब हम इसको दोबारा ओपन करने की कोशिश करेंगे, 2 10s are 20 और इस वाली को प्लस कर देते होते हैं इसमें, तो ये 23 आ जाएगा, 23/10 आ जाएगा स्टूडेंट, से देख लीजिए। तो इस तरह से हमने इन क्वेश्चंस को करना है। यहां पे डायरेक्टली भी हम डिवाइड कर सकते हैं, तो यहां पे पॉइंट लगाएं तो भी हम इसको इजीली कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हम स्टार्ट कर लेते हैं। जहां पर आपको समझ ना आए आप वहां उस कॉन्सेप्ट को, आप जो है स्टेप को नोट कीजिए और आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, तो आपकी प्रॉब्लम को रिजोल्व करने की कोशिश करूंगा। स्टूडेंट ये देखें, 5/8 + 9/16। अब इसको हमने करना है स्टूडेंट, ये देखिए 5/8 और 9/16, वेरी सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखें डिनोमिनेटर 8 है और ये 16 है। एक बात आपने अपने माइंड में रखनी है, ये देखें ये 8 है, ये स्मॉल है, ये 16 है, ये ग्रेटर है। अगर तो एक डिनोमिनेटर दूसरे पे डिवाइड हो रहा है तो एलसीएम जो है वो बड़ा नंबर ही होगा। अब हम फिर आपको दिखा भी दूँ, आपको 8 और 16 का हमने लेना है, तो ये देखें 2 पे डिवाइड कर दें, 2 2s are 2 4s are 2 8s are, 2 पे करें 2 2s are 2 4s are, 2 1s are 2 2s are, 2 2s are 4 4 2s are 8 8 2s are 16, 16 इसका स्टूडेंट एलसीएम आ जाएगा। ये देखिए 16 is the एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स, एंड नाउ सेम कॉन्सेप्ट, 16 डिवाइडेड बाय दिस 8, 8 1s are 8 2s are, ये 2 आपके पास आंसर आया। इस 2 को आपने इस 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 5s are 10, प्लस का साइन लगा दिया। अब ये देखिए
16 डिवाइडेड बाय दिस 16, 16 डिवाइडेड बाय 16 आंसर इज 1, सो 1 मल्टीप्लाई विद 9, 9 वन्स आर 9, ओके स्टूडेंट, यहां पर यहां तक हम इसको ले गए, ये आ जाएगा 19 डिवाइडेड बाय 16, अब ये हमारे पास फ्रैक्शन सॉल्व हो गई, लोएस्ट फॉर्म में आ गई, अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है, नोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो हम इसको इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, 19 यहां पे 16, 16 वन्स आर 2 पे करेंगे तो 32 हो जाएगा, 16 वन्स आर 16, यहां पे माइनस का साइन और यहां पर आपके पास 3 बच जाएगा, तो हम इसको जब लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, वन होल, ये वन होल 3 ओवर 16 इज द आंसर इन मिक्स फ्रैक्शन, अगर इसको जस्टिफाई करना चाहे कि हमारा ठीक है या नहीं, 1 को 16 से मल्टीप्लाई करिए, 16 वन्स आर 16 और प्लस उसमें 3 कर दिया तो आपके पास 19 आ जाएगा, 19 ओवर 16 इज द आंसर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, स्टिल यू इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट अंडर द वीडियो, तो मैं आपकी हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा स्टूडेंट्स। तो एक वो है सिंपल सा क्वेश्चन, 2/3 प्लस 1/4, स्टूडेंट ये है बहुत आसान है, सिंपल है, डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ये मुख्तलिफ है, डिफरेंट है, तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी आपके पास एलसीएम आ जाएगा। बाय द वे मैं ऐसे कर देता हूं आपको दिखाने के लिए ताकि आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, 3 वन्स आर 4 एज इट इज 4 पे कर देते हैं इसको, 4 वन्स आर 4 थ्रीज आर 12, 12 इज द एलसीएम 12। नाउ सेम कॉन्सेप्ट हम करेंगे, 12 एलसीएम ये लिख दिया और इस 3 पे डिवाइड कर दिया, 3 फोर्स आर 4 मल्टीप्लाई 2 8, प्लस का साइन लगाएं, ठीक है, 12 मल्टीप्लाई दिस 4 4 थ्रीज आर दिस 3 मल्टीप्लाई दिस 1 दैट इज इक्वल टू 3, दिस इज 11/12, ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई, मींस टू से जो हमारा न्यूमरेटर है वो स्मॉलर है, डिनोमिनेटर जो है वो ग्रेटर है, तो हम इसको करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, वो हमें करने की जरूरत नहीं है। तो ये है 3 क्वेश्चंस, इस तरह से आपने किसी भी फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेना है, वेरी सिंपल। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इसमें तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, एंड आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।